डेली तौर पर देख रहे हो आप, जो बड़ी खबर बता रहे हैं आपके मध्य प्रदेश के निवाड़ी से, जिते तीन ग्रामीण नदी के टापू में फंस गए थे। बेतवा और जामुनी नदी के बीच टापू में फंस गए थे ये तीन ग्रामीण। बीते रोज 3 बजे से फंसे थे जे, और प्रशासनिक अमला पहुंचो सुबह से और रेस्क्यू इनको करो गो, लेकिन तेज बहाव होवे के कारण, दोनों नदियां उफान में होवे के कारण रेस्क्यू संभव न हो। इसके बाद ग्वालियर से सेना को हेलीकॉप्टर आओ, सेना से मदद मांगी गई, और उनके बाद 1 घंटा की रेस्क्यू के बाद हेलीकॉप्टर के द्वारा तीनों ग्रामीणों के नकार लोग है। आपके बता दें लिधौरा गांव के जो तीनों ग्रामीण थे, जो अपनी भैंस खोज बे निकल गए होते, और तभी माता टीला बांध को पानी छोड़ो गई के अलावा बारिश को पानी, और दोनों नदियां उफान पे आ गई, और जे तीनों ग्रामीण फंस गए हुए बहाव में और टापू में फंसे होवे के कारण भी तो रोज 3 बजे से इन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश करी जा रही, लेकिन जब रेस्क्यू संभव नहीं हो सको तो सेना की मदद मांगी गई और सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा जो रेस्क्यू संभव हो सको, और तीनों ग्रामीणों के सकुशल बाहर निकालो गए। तो तस्वीरें आपके दिखा रहे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू की जो तस्वीरें हैं, निवाड़ी जिला की जो पूरी तस्वीरें हैं आपके, जैसे तीन ग्रामीण फंस गए थे बेतवा और जामुनी नदी के बीच टापू में, और इसके बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके इन तीनों ग्रामीणों के बाहर निकालो गए है। निवाड़ी जिला का जो पूरा मामला है, प्रशासन पहले लगातार कोशिश करते रहो, लेकिन दोनों नदियां उफान पे हती और भारी मशक्कत के बाद भी ग्रामीणों तक नहीं पहुंचे जा रहे हो, तो इसके बाद सेना की मदद ली गई और सेना के हेलीकॉप्टर आओ, और 1 घंटा की मशक्कत के बाद रेस्क्यू के बाद तीनों ग्रामीणों के हेलीकॉप्टर के रेस्क्यू से निकाल लोगो, और ये ग्रामीण लिधौरा गाँव के किसान हते जो अपनी भैंस उनके खोज भी गए हते। ये तस्वीरें आपके दिखा रहे हेलीकॉप्टर से उतरत है जे तीनों ग्रामीण, और जो पूरा रेस्क्यू करोगे जिला प्रशासन इनमें मौजूद रहो, स्थानीय प्रशासन के अलावा, और ऐसे तीनों ग्रामीणों के रेस्क्यू करके बाहर निकालो गए है। Thank you.